दोस्तों, गुटखा और सुपारी जिसको खाने से आपका मुंह खुलना कम हो जाता है, इसको कहते हैं ओरल सबम्यूकस फाइब्रोसिस। आज हम इसके ट्रीटमेंट के बारे में बात करेंगे। ओसेमफ में मेडिसिन का काफी अच्छा रिजल्ट है, लेकिन आज मैं आपको मुंह खोलने की जो दवाइयाँ बताने जा रहा हूँ, यह दवाइयाँ केवल डॉक्टर की निगरानी में लें, क्योंकि हर मरीज की फिजिकल कंडीशंस अलग अलग होती है। उम्र, आयु, बीमारी, मरीज की बीमारी का इतिहास को देखते हुए भी दवाई निर्भर करती है। माउथ के अंदर की फिजिकल कंडीशंस क्या है, कहाँ पर इसके बैंड ज्यादा है, माउथ की अंदरूनी स्किन कैसी है, कोई घाव तो नहीं है, कोई जख्म तो नहीं है, दांतों की स्थिति कैसी है, दांतों की बनावट कैसी है, दांत नुकीले, तिरछे, कटे हुए, गंदे और खोखले तो नहीं है, जबड़े की स्थिति कैसी है, मरीज की बीमारी कब से है, बीमारी का क्या इतिहास है, पिछला ट्रीटमेंट क्या कराया और उससे क्या फायदा हुआ और क्या नुकसान हुआ, बहुत कुछ समझना पड़ता है। एक 16 साल के मरीज और एक 50 साल के मरीज की दवाई और खुराक की मात्रा अलग अलग होती है। उसी प्रकार एक 35-40 केजी का मरीज और एक 60-70 केजी के मरीज की दवाई और खुराक की मात्रा भी अलग अलग हो सकती है। यदि एक कम वजन के व्यक्ति को ज्यादा दवाई दे दी जाए तो इसके साइड इफेक्ट भी हो जाते हैं। उसी प्रकार एक ज्यादा वजन के व्यक्ति को कम दवाई दी जाए तो उसको कोई भी फायदा नहीं होता। ऐसे पेशेंट्स फिर दवाइयाँ और इलाज को कोस कर हतोत्साहित हो जाते हैं और इलाज बीच में ही छोड़ देते हैं कि हमें तो किसी दवाई से फायदा होने वाला नहीं। इसी प्रकार अलग अलग ओसेमफ के मरीज को कुछ अन्य बीमारी भी हो सकती है, जिसके कारण उनका कुछ अन्य ट्रीटमेंट भी चल रहा होता है। ऐसी स्थिति में भी आप अपने आप कोई दवाइयों का सेवन ना करें। आज हम आपको जो दवाइयाँ बताने जा रहे हैं वह माउथ ओपन में काफी मददगार होती हैं, पर इन दवाइयों के सेवन के साथ साथ माउथ ओपन एक्सरसाइज भी स्मार्ट तरीके से करनी जरूरी है। इसके साथ साथ ओसेमफ में यूज होने वाले ऑइंटमेंट, इंजेक्शन आदि को भी लगाने से फायदा काफी बढ़ता है। ओसेमफ के इंजेक्शन आदि के बारे में समझने के लिए अपने डॉक्टर से बात करें। तो आज बात करते हैं माउथ ओपन करने में सहायक 6 दवाइयों या उपचार के बारे में। तो दोस्तों, इसमें पहली दवाई है त्रिफला चूर्ण। यह चूर्ण किसी भी आयुर्वेदिक शॉप पर मिल जाएगा। इस चूर्ण को गुनगुने पानी में डालकर यदि आप गरारे करते हैं तो इसके काफी अच्छे रिजल्ट देखने में आए हैं। इसको आप दिन में 2 से 3 बार भी कर सकते हैं। दूसरी दवाई है तुलसी पेस्ट। तुलसी के बारीक पत्तों को धोकर बारीक पीस कर अफेक्टेड एरिया में लगाने पर इसके भी काफी अच्छे रिजल्ट मिले हैं। तीसरी दवाई है ऑक्सीटार्ट। यह दवाई हिमालयन की है। ये पूर्णतया हर्बल दवाई है और माउथ खुलने की समस्या में, यहाँ तक कि कैंसर आदि में भी इसमें फायदा देखा गया है। इसके बारे में और इसकी खुराक और मात्रा के बारे में अपने डॉक्टर से बात करें। चौथी दवाई है लाइकोपीन युक्त टेबलेट। ऐसा देखा गया है कि ओसेमफ के केस में एक्सरसाइज के साथ साथ इसको खाने पर बेस्ट रिजल्ट मिलता है और कई लोगों को फायदा भी हुआ है। इस टेबलेट को कितनी मात्रा में लेना है, इसके लिए भी आप अपने डॉक्टर से बात कर सकते हैं और उन्हीं की निगरानी में ये दवाई का सेवन करें। पांचवी दवाई है बीटा कैरोटीन युक्त एंटीऑक्सीडेंट। कई शोधों में पाया गया है कि बीटा कैरोटीन युक्त एंटीऑक्सीडेंट का सेवन करने से माउथ ओपन में काफी सहायता मिलती है। छठी दवाई है एलोवेरा जेल। यह बना बनाया भी मार्केट में मिलता है। इसका पौधा भी कई जगह मिल जाता है। इसकी पत्ती का सफेद गोदे का एक टुकड़ा निकालकर माउथ के अंदर रखकर इसको चूसें और मुंह के अंदर घुमाते रहें। 15 मिनट बाद इसको थूक दें। इसको खाना खाने में होने वाली जलन भी रुकती है। दोस्तों, इनमें से कोई भी दवाई या उपाय यदि आप डॉक्टर के सुपरविजन में कर लेंगे तो आपको जल्दी स्वास्थ्य लाभ होगा। यह सभी दवाइयों का रिस्पॉन्स काफी अच्छा है। तो दोस्तों, अगर आपको इस दवाइयों के बारे में और जानकारी चाहिए हो तो कमेंट्स करें, हम आपकी क्वायरी का रिप्लाई अवश्य करेंगे। इसके साथ साथ आप हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर दें ताकि और जरूरतमंद लोग भी ये वीडियो देखें और वह भी लाभ उठा सकें। धन्यवाद।